हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंपनी के बारे में। और ये लास्ट ट्रेडिंग डे में 1257 रुपए पर क्लोजिंग दिया था। ये आईसीआईसीआई ग्रुप की जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स जानना हो तो आप इनके वेबसाइट पर जाकर के सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आज कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहे हैं और ये कंपनी जो है अपना क्वार्टरली रिजल्ट लेकर के भी हम निवेशकों के सामने आई है। जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि इन्होंने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट की घोषणा 23 अक्टूबर को की है और वो मार्केट क्लोज होने के बाद तकरीबन 5 बजे शाम में आता हुआ दिख रहा है। इसलिए इसके रिजल्ट पर रिएक्शन जो देखने को मिलेगा आज मंडे को देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट खोलने के बाद। और स्क्रीन पर हम लोग आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के क्वार्टरली रिजल्ट को हम लोग डाउनलोड करके रखे हैं, जिस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के फुल फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के फंडामेंटल्स कैसे हैं और इसने अभी तक अपने निवेशकों को किस प्रकार का रिटर्न दिया है और इसके जिस प्रकार के रिजल्ट आए हैं, आने वाले दिनों में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनके बाकी क्वार्टर के रिजल्ट से, वो कैसे रह सकते हैं। और इन सारी बातों पर चर्चा करते हुए हम लोग इस वीडियो के लास्ट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के शेयर भाव में किस प्रकार के परिवर्तन हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग इसके फाइनेंशियल ओवरव्यू को चेक करते हैं कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के फाइनेंशियल पैरामीटर किस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। तो स्क्रीन पर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का मार्केट कैप लगभग 57,000 करोड़ देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.7% है, जो कि काफी बेहतरीन है। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो तकरीबन 21% देखने को मिल रही है, जो कि काफी बेहतरीन है। डिविडेंड यील्ड 0.28% है और 52 वीक हाई से स्टॉक का 1440 रुपए है, 52 वीक लो 805 रुपए है। वर्तमान भाव जो चल रहा है वो 1258 रुपए चल रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि फाइनेंशियल ओवरव्यू में ये कंपनी एक लार्ज कैप ग्रुप से आती है और इसके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसने अभी तक अपने निवेशकों को किस प्रकार का रिटर्न दिया है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पिछले एक सप्ताह में लगभग 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, पिछले एक महीना में ये लगभग नेगलिजिबल रिटर्न दिया है, ईयर टू डेट इसने 10% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, पिछले एक साल में 4% का नेगेटिव रिटर्न दिया, पिछले 3 साल में 81% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, यानी कि ये लंबे समय में काफी अच्छा रिटर्न दी है अपने निवेशकों को। दोस्तों, ये कंपनी 3 साल पहले ही लिस्ट हुई थी, इसलिए इसके 5 साल के डेटा और 10 साल के डेटा हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो 3 साल में इसने 81% का रिटर्न दिया है, तो इतनी बड़ी कंपनी 81% का रिटर्न दी है तो ये काफी मार्वेलस रिटर्न कहलाएगा। अब चलिए दोस्तों, जब इसने इतना अच्छा रिटर्न दिया है तो इसके जो पास्ट के रिजल्ट होंगे वो काफी अच्छे देखने को मिले होंगे, तो हम लोग उसको भी चेक कर लेते हैं कि इसके पास्ट के रिजल्ट किस प्रकार के देखने को मिले हैं। स्क्रीन पर हम लोग दोस्तों FY9 से इनके एनुअल रिजल्ट को देख रहे हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि FY9 में ये 1974 करोड़ का सेल्स करती थी, जो कि हर साल ये इनका सेल्स बढ़ता हुआ दिख रहा है, बीच बीच में कभी डिग्रोथ देखने को मिला है लेकिन वापस ये ग्रोथ फेज में आ गई है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मार्च 2020 में इसने 12,450 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट किया है,
यानी कि ये 0.9 के रेस्पेक्ट में 0.20 तक आते आते इनके सेल्स में लगभग जो है 6 times का जंप देखने को मिला है। और सेम पीरियड में दोस्तों अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, FY9 में ये 24 करोड़ का नेट प्रॉफिट करती थी, जो कि FY20 में आकर के लगभग ये 1194 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो इनके नेट प्रॉफिट में भी दोस्तों यहाँ पर काफी तगड़ा 6 गुना के आसपास जंप देखने को मिल रहा है। तो इनका सेल्स ग्रोथ हुआ 6 गुना, प्रॉफिट ग्रोथ हुआ 49 times। तो इस हिसाब से दोस्तों एक काफी तगड़े ढंग से अपने बिजनेस को ग्रो कर पाने में सफल रही है। और दोस्तों यही वजह है कि इसने काफी कम समय में अपने निवेशकों को 81% का रिटर्न दिया है। अब दोस्तों चूंकि इसने अपना Q2 का रिजल्ट पेश कर दिया है हम निवेशकों के सामने, तो हम लोग ये चेक करेंगे कि इनका Q2 का रिजल्ट किस प्रकार का देखने को मिला है। दोस्तों स्क्रीन पर हम लोग ICICI लोम्बार्ड के Q2 के रिजल्ट को देख रहे हैं, और अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनके क्वार्टरली रिजल्ट का मिलान करें तो ये सितंबर 19 क्वार्टर के रेस्पेक्ट में इनका सितंबर 20 क्वार्टर में इनके नेट सेल्स में लगभग 4.5% का जंप देखने को मिला है। और अगर सेम पीरियड में दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करें तो इनके नेट प्रॉफिट में सितंबर 19 क्वार्टर के रेस्पेक्ट में सितंबर 20 क्वार्टर में लगभग 35% का तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी 2.63% का इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। तो इस हिसाब से दोस्तों ये कंपनी न केवल ईयर ऑन ईयर बल्कि क्वार्टरली बेसिस में भी काफी तगड़ा सेट ऑफ नंबर्स हम निवेशकों के सामने लेकर के आई है। अगर दोस्तों हम लोग ICICI लोम्बार्ड के हाफ ईयरली रिजल्ट का भी मिलान करें तो हम लोग यहाँ पर पा रहे हैं दोस्तों कि अगर हाफ ईयरली रिजल्ट के हिसाब से भी दोस्तों हम लोग अगर मिलान करें तो इनके सितंबर क्वार्टर में 5613 करोड़ का नेट इनकम देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट ईयर सेम पीरियड में ये 5403 करोड़ देखने को मिल रहा था। तो इनके हाफ ईयरली इनकम में भी काफी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अगर सेम पीरियड में दोस्तों हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट की, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि सितंबर क्वार्टर में इनका जो नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वह 813 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो कि सेम पीरियड लास्ट ईयर ये 617 करोड़ देखने को मिल रहा था। तो इनके नेट प्रॉफिट में भी काफी तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है हाफ ईयरली पीरियड में। तो कुल मिलाकर के ये कंपनी न केवल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी और हाफ ईयरली बेसिस पर भी अपने रिवेन्यू और प्रॉफिट को बढ़ाने में सक्षम रही है। और कोरोना का कोई भी इम्पैक्ट इस शेयर पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिन ICICI लोम्बार्ड के काफी बेहतरीन देखने को मिल सकते हैं। और इस स्टॉक में अगर हम लोग निवेशित रहे लंबे समय के लिए तो इसमें काफी एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि इसके फंडामेंटल्स लगातार अच्छे दिख रहे हैं और लगातार ये कंपनी अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर रही है, तो हम लोग बड़े निवेशकों का भी रुझान जानना चाहेंगे कि बड़े निवेशक इस बारे में क्या सोचते हैं। इसके लिए हम लोग अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड वाले हैं ICICI लोम्बार्ड में लगभग 10.5% का स्टैक होल्ड किए हुए हैं। इन्होंने समय के साथ अपना स्टैक ICICI लोम्बार्ड में बढ़ाया है। और अगर हम FIs की बात करें तो FIs इस स्टॉक में लगातार अपना स्टैक बढ़ाते हुए दिख रहे हैं और ये अभी तकरीबन 27.1% का स्टैक होल्ड किए हुए हैं। तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 51.9% है, 27.1% होल्डिंग FIs की है, 10.5% इसमें DIIs हैं। तो बड़े निवेशक इस स्टॉक में काफी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि इसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे रहे हैं और यही कारण है दोस्तों कि बड़े निवेशक भी इसमें लगातार बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बुलिशनेस आगे चल करके इसके शेयर भाव में रिफ्लेक्ट करेगा और इसके शेयर भाव चढ़ते हुए देखे जाएंगे।
तो चलिए दोस्तों, अब इसके टेक्निकल चार्ट से भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसके टेक्निकल चार्ट हमें क्या बता रहे हैं। दोस्तों स्क्रीन पर हम लोग आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के टेक्निकल चार्ट को देख रहे हैं और हम लोग यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है लॉकडाउन के पहले तकरीबन 1400 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, लॉकडाउन की घोषणा के बाद ये गिर करके 822 रुपए में आ गया था। उसके बाद इसमें लगातार रिकवरी बनी हुई थी और ये वापस 1400 के स्तर को छुआ, लेकिन उसके बाद ये कंसोलिडेशन में चला गया और अभी साइडवेज मूवमेंट दे रहा है जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, और ये काफी अच्छा अवसर दे रहा है हम निवेशकों को इसमें लगातार हम लोग एसआईपी मोड में खरीदारी करते हुए चलें और लंबे अवधि के लिए निवेशित रहें। साइडवेज मोमेंट में अब हम लोग ये देख रहे हैं कि इनके रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे हैं, तो अब हम लोगों को इस शेयर में यहाँ से धीरे धीरे जो है खरीदारी होती हुई दिखेगी बड़े निवेशकों द्वारा भी और जो स्मार्ट रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा भी, और इसमें शेयर भाव चढ़ते हुए पाए जाएंगे। और अगर हम लोग लेवल की बात करें तो कहां तक ये जा सकता है, तो अगर हम लोग यहां पर देखें स्ट्रांग रेसिस्टेंस, तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि ये शेयर जो है 1400 के स्तर पर तो आसानी से जा सकता है। हालांकि इसके चार्ट उतने स्ट्रांग दिख नहीं रहे हैं, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट स्ट्रांग आए हैं तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि धीरे धीरे ये शेयर जो है 1400 रुपये के लेवल पर जाकर के ट्रेड करने लगेगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग ने इस वीडियो में पाया कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी है और अपने निवेशकों को ये अच्छा मौका दे रही है कि इसमें आप निवेशित करें समय के साथ, और इसमें आने वाले दिनों में काफी तेजी बनते हुए हम लोग देख पाएंगे। तो दोस्तों अभी तक मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए मैं लगातार अच्छी अच्छी जानकारियां, छोटी छोटी जानकारियां सरल भाषा में, एक लेमन की भाषा में लेकर के आता रहता हूँ, और आप इससे लाभान्वित भी होते रह रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।